जैसे पहले भी कह चुके हैं, आप सब आजकल व्हाट्सएप पर होंगे या आपको मैसेज मिलते रहते होंगे। तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर हूँ। किसी ने चार एग्ज़ाम क्वेश्चंस का मतलब उन्होंने फ़ोटो करके भेजा था, जो किसी बच्चे को एग्ज़ाम में पूछा गया था और उन्होंने जो जवाब दिया था। तो एक क्वेश्चन था कि गांधी का, आज़ादी की लड़ाई में गांधी का कितना बड़ा हाथ था। तो बच्चे ने एक हाथ बनाया था और बोला इतना बड़ा, टीचर ने जीरो दे दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि रामनवमी क्यों मनाया जाता है। तो बच्चे ने लिखा कि क्योंकि राम जी आठवीं से पास करके नवमी आ गए, तो रामनवमी। और जो तीसरा क्वेश्चन था कि उल्टा चोर कोटवाल को डांटे, उसका मतलब इलस्ट्रेशन कीजिए। तो बच्चे ने बहुत सुंदर एक चोर बनाया था जो उल्टा अपने सिर पर खड़ा हो रहा है, और एक मोटा सा गुस्सा करते वाला कोटवाल, और उसने बोला अबे ओए कोटवाल, क्योंकि उल्टा चोर कोटवाल को डांटे। तो टीचर ने सारे को जीरो दे दिया। अब देश में यही हो रहा है कि एक ही आंसर हो रहा है। आप पूछे कि देश प्रेम क्या होता है, तो ऑलरेडी टीचर बने हुए हैं जो पहले से ही सबको, कुछ लोग को 100/100 देंगे, जो बोलेंगे कि देश प्रेम वही है जो हम कहते हैं, जो हिंदुत्व है, जो देश में एक ही टाइप के लोग रह सकते हैं, जो झंडा फहराएंगे, और बाकी लोग को जीरो। तो जीरो और 100 में अलग अलग जवाबों का, अलग अलग सोच का कोई जगह ही नहीं रहा। पर एक्चुअली जब हम देखें कि जिस तरह अलग अलग लोग में किस टाइप का देश प्रेम होता है, तो वास्तव में एक्चुअली सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीन या चार फोर्सेस है, लेफ्ट राइट अम्बेडकरवादी, या मतलब इतने सारे सोच है, इतने सारे विचारधारा हैं कि उनको, उनके साथ किस तरह हम एंगेज करें, उनके साथ किस तरह बातचीत करते हैं, ये बहुत प्रैक्टिस में बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं ये एक उदाहरण देना चाहती हूँ इरोम शर्मिला का, जो आप सब जानते हैं कि 15 साल से वो फास्ट कर रही है। वो इतना तक कि वो पानी का भी एक बूंद अपने मुंह से नहीं लेती, अपने जब दांत ब्रश करती है तो वो कॉटन वूल से ब्रश करती है ताकि पानी का बूंद उसमें ना जाए। उसको ज़बरदस्ती फोर्स फीड किया जा रहा है नेजल ट्यूब के साथ, और वो इसीलिए फास्ट कर रही है कि आफ्सपा जैसे जो कानून हैं जिसमें आर्मी को राइट है टू शूट टू किल विदाउट सस्पिशन, ये बिल्कुल गैर कानूनी, गैर संवैधानिक जो लॉ है, उसमें दो कैटेगरीज के सिटीजन बनते हैं, एक जिसके पास राइट टू लाइफ है, और जिस दूसरा जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पास एक्ट के तहत जो अंदर रह कश्मीर में या मणिपुर में, जिसके पास राइट टू लाइफ नहीं है। अब इरोम शर्मिला का आप क्या बोलेंगे, ये किस टाइप का देश प्रेम है कि आप 15 साल एक कानून को बदलने के लिए आप फास्ट कर रहे हैं। अगर ये देश प्रेम नहीं हुआ तो क्या हुआ। पर ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने इलाके में भी इरोम शर्मिला को समझ पाता है, और मैं नहीं कहती हूँ कि वो एक, उसको सीमित किया जा सकता है, क्योंकि मणिपुर में भी कई लोग ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड में हैं, जो कहते हैं कि इरोम शर्मिला एक तरफ से हैज सोल्ड आउट टू द इंडियन स्टेट, क्योंकि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के, इस संविधान मतलब जो भारतीय संविधान है उसके दायरे, उसके नियमों को बदलना चाहती है, और सोच रही है कि इस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन वायलेंट एक्शन करके वो संविधान को बदल सकती है, इस कानून, काले कानून को निकाल सकती है, क्योंकि उनके लिए ये देश एक कॉलोनियल देश है जिसने मणिपुर को एनेक्स किया है। वो भी एक टाइप का देश प्रेम है, इरोम शर्मिला का भी देश प्रेम है। और वो वाले जवान जो अपने घर को छोड़ के वहाँ भेजा जा रहा है किसी और को मारने के लिए, जब वो खुद ही मारा जा रहा है, वो भी मैं समझती हूँ कि एक तरीके से उसमें भी देश प्रेम है। और ये जो अलग टाइप के हम सब जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में हम सब उलझे हुए हैं, और चला जो चाबी दे रहा है और जो चला रहा है वो कहीं और है, और बाकी जनता
देश प्रेम के ऊपर झगड़ती जा रही है, देश मतलब किसी एक दूसरे को मारती जा रही है, आर्मी जिस तरह लोगों के खिलाफ यूज़ किया जा रहा है, और वो खुद ही जिस गांव से आते हैं, जिस मतलब क्योंकि हम देख रहे हैं कि खास तौर आजकल जहां नक्सली मूवमेंट हावी है, सरकार वही इलाकों से रिक्रूट करना चाहती है। तो ऐसा नहीं है कि जो देश प्रेमी हैं वो एक जगह से आ रहे हैं और देशद्रोही हैं वो कहीं और से आ रहे हैं, सभी लोग तो उसी जगह से आ रहे हैं, उन्हीं परिवारों से आ रहे हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। कुछ आर्मी में जा रहे हैं, कुछ सीआरपीएफ में जा रहे हैं, और कुछ माओइस्टों के साथ जा रहे हैं, कुछ पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनके घर में खेती नहीं हो पा रही। तो अब देश प्रेम की बात एक पूरी तरह से डाइवर्जन है कि हम देख नहीं पाए कि ये एक्चुअली सिचुएशन लोगों के लिए कितना ख़राब है। उनकी जो कृषि की जो स्थिति है इतनी ख़राब है कि लोग को अलग अलग अपने भाइयों अपने बहनों के साथ लड़ाई करनी पड़ रही है। जिस तरह हम सलवा जुलूम जब शुरू हुआ था छत्तीसगढ़ में 2005 में, तो उसका एक खासियत था कि लोगों को घर घर में के बीच में लड़ाया जा रहा था। अब तो पूरी देश में सलवा जुलूम हो रही है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह लोग को, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें या JNU की बात करें या FTI या एक्टर्स के, मतलब कुछ एक्टर्स बोल रहे हैं कि मोदी को बिल्कुल मतलब चुनाव से पहले भी कि मोदी को नहीं आना चाहिए, दूसरे तबके के एक्टर्स बोल रहे हैं नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है। तो रोज़ एक तबका मार्च निकाल रहा है, उसके खिलाफ दूसरा तबका काउंटर मार्च निकाल रहा है, फिर तीसरा तबका को मतलब डिफेंड करना पड़ रहा है। तो रोज़ पिटिशन, काउंटर पिटिशन, मार्च, काउंटर मार्च, अब बाकी कुछ काम करने के लिए टाइम ही नहीं है, बाकी कुछ सोचने के लिए टाइम ही नहीं है, और हम सब इतने मतलब टेंस हो गए हैं कि और कुछ मतलब जिस तरह और चीज़ों के बारे में सोचनी चाहिए वो तो उसके लिए बिल्कुल देश में जगह ही नहीं रहा। तो मैं बस ये एक पोएम से एंड करूँगी। एक्चुअली एक गाना है जो पॉल रोबसन, शायद आप जानते होंगे, अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन फुटबॉल सॉकर स्टार था, जो 1940s में अमेरिका के लिए अमेरिका में बहुत फेमस था, और उसको मकार्थी ईरा में ब्लैकलिस्ट किया गया था उसके सस्पेक्टेड कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ को लेकर, और वो बहुत अच्छा भी गाता था। और आपने सुना होगा भूपेन हजारिका का गाना गंगा, तो वो पॉल रोबसन की एक गाना से लिया गया है। तो इफ़ यू डोंट माइंड मैं इंग्लिश में कहूँगी क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है। उसका नाम, व्हाट इज़ अमेरिका टू मी? A name, a map, or a flag I see. A certain word, democracy. What is America to me? The house I live in, a plot of earth, a street. The grocer and the butcher, or the people that I meet. The children in the playground, the faces that I see. All races and religions, that's America to me. The place I work in, the worker by my side. The little town or city where my people lived and died. The howdy and the handshake, the air and feeling free. And the right to speak my mind out, that's America to me. The things I see about me, the big things and the small, the little corner newsstand and the house a mile tall, the wedding and the churchyard, the laughter and the tears, and the dream that's been a-growing for 150 years. The town I live in, the street, the house, the room, the pavement of the city and the garden all in bloom. The church, the school, the clubhouse, the million lights I see, but especially the people, that's America to me. The house I live in, my neighbors white and black, the people who just came here from generations back, the town hall and the snap soapbox, the torch of liberty, a home for all God's children, that's America to me. The house I live in, the goodness everywhere, a land of wealth and beauty with enough for all to share, a house that we call freedom, a home called liberty, and it belongs to fighting people, that's America to me. বিস্তীর্ণ পারের অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি, গঙ্গা বইছো কানো।